दोस्तों आप देख रहे हैं बीसा न्यूज चैनल। इस वक्त हम हुसैनाबाद नगर पंचायत के गुलबाग स्टेडियम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे एक गुलबाग स्टेडियम का मुख्य दरवाजा है जिसे लोग आते हैं। देख सकते हैं रोड किस तरह से ढलाई किया गया है, लेकिन दरवाजे का कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह का है। इधर का ये जो पट्टा है ये लोहे का है, लेकिन इधर का जो पट्टा है आप देख सकते हैं ये गायब है। ये कहाँ चला गया बताइए, इस दरवाजे का कहाँ चला गया? कोई भी रात बिरात आएगा यहाँ पे दारू पी के वहाँ पे बैठेगा, आके वहाँ सीट पर देख लीजिए, वहाँ जो सीट है ना, अब वहाँ पे बैठेगा दारू पिएगा और वहाँ पे 10 लोग आएंगे हा हुला करेंगे और चले जाएंगे। अब ग्राउंड में चले जाइए, जगह जगह आपको दारू का बोतल मिलेगा, टूटा हुआ शीशा सब मिलेगा आपको ग्राउंड में। तो क्या ये ग्राउंड है बच्चे लोग का खेलने के लिए कि यहाँ पे जो नशेबाजी हैं उनका ये अड्डा बन चुका है? हुसैनाबाद नगर पंचायत का गुलबाग स्टेडियम आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये शौचालय भी है कि यहाँ पे जो भी प्लेयर लोग आएंगे, जो भी लोग आएंगे यहाँ पे खेलेंगे उनको अगर इमरजेंसी में शौचालय लगता है तो वह अगर यहीं पे शौच करेंगे। लेकिन इसका आप बाहर से देख सकते हैं ताला लगा हुआ है और इसका रख रखाव किस स्थिति में है वो तो देखने से ही आपको जर्जर स्थिति में लग रहा होगा। अब चलिए हम ग्राउंड के अंदर चलते हैं और आपको इस कंडीशन दिखाते हैं। देख लीजिए ग्राउंड का बाउंड्री है, ये भी टूटा हुआ है। ये तो चलिए आम बात है, छोटा मोटा तो होता रहता है, लेकिन और भी ग्राउंड में आप देखिए किस तरह का घास है। साफ़ सफाई के नाम में जीरो एकदम है, जीरो टॉलरेंस है, कोई अथी नहीं है, साफ सफाई भी कुछ नहीं है। ग्राउंड का स्थिति होना चाहिए कि हरा हरा घास होना चाहिए, यहाँ पे बराबर पानी की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन वो भी व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्या हुसैनाबाद नगर पंचायत के यहाँ पे बोरिंग नहीं होना चाहिए? एक यहाँ पे मोटर नहीं लगना चाहिए? जिस जगह जगह मोटर लगा रहता, दो साइड में भी अगर मोटर लगा रहता तो इस ग्राउंड में पानी ऐसा पड़ता तो ये घास भी हरा हरा रहता, देखने में भी आनंद आता। लोग सुबह सुबह वॉकिंग करने आते, लेकिन जो दौड़ने आते हैं उनको भी अच्छा लगता कि चलो यहाँ पर घास है, दौड़ने में भी अच्छा लगता। लेकिन पता नहीं हुसैनाबाद नगर पंचायत का गुलबाग स्टेडियम का विकास कहाँ जा रहा है, ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या हुसैनाबाद नगर पंचायत के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष पे हैं, क्या उनको इस तरह का नज़ारा नहीं दिखता है? ये वही स्टेडियम है, यहाँ पे बड़े बड़े मैच भी होता है, क्रिकेट का मैच भी होता है, फुटबॉल का भी मैच होता है। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी आके बड़े बड़े टूर्नामेंट का यहाँ पर उद्घाटन करते हैं, लेकिन वो सामने उनके नज़र में दिखता है कि गुलबाग स्टेडियम का किस तरह का कंडीशन है, लेकिन वो देख कर भी नज़रअंदाज करते हैं। क्यों पता नहीं समझ में आता है गुलबाग स्टेडियम क्यों वो नज़रअंदाज करते हैं? ये हुसैनाबाद नगर पंचायत में है, लेकिन यहाँ पर जो लोग भी आते हैं उद्घाटन करने, जो बड़े बड़े मैच होता है तब आते हैं, बड़े बड़े लंबा लंबा भाषण देंगे कि इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, विकास होगा, लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह का कंडीशन है, कहीं आपको नहीं दिखेगा। ग्राउंड देखने से लगेगा ही नहीं कि स्टेडियम में ग्राउंड है। समझ में नहीं आ रहा हुसैनाबाद नगर पंचायत के गुलबाग स्टेडियम का हो क्या गया है, कितने साल हो गया? करीब 10 से 15 साल हो गया। कई विधायक भी बन गए, कई मंत्री भी बन गए, कई नगर पंचायत के अध्यक्ष इस पर अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन ये हुसैनाबाद के गुलबाग स्टेडियम का हालात उसी का उसी तरह है। चलिए हमारे साथ हुसैनाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुन्ना कुमार देव जी हैं, आइए हम जानते हैं उनसे स्टेडियम के बारे में। इस स्टेडियम के बने हुए कई दशक हो गए, छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लिए होंगे जब स्टेडियम बन रहा होगा वो आज इस स्टेडियम में खेलने लायक हो गए हैं, लेकिन इस स्टेडियम का हालात इस कदर हो गया है कि देखने से नहीं लग रहा है कि स्टेडियम है। इस पर आपका क्या कहना है? पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ बिरसा न्यूज़ को, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, कहने के लिए तो हमको लग रहा है कि कहेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन लमसम हमको लगता है 15-18 साल से एवब हो गया इस स्टेडियम को बने हुए, और आज तक इस स्टेडियम में, ये तो स्टेडियम नगर पंचायत के अंदर में आता है, नगर पंचायत के अंदर में ये स्टेडियम आता है, जो कि तीन नगर पंचायत में चेयरमैन रहे हैं और तीन जो है अध्यक्ष पद पर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इस स्टेडियम को झांकने तक का कोशिश नहीं किया और देखने तक का प्रयास नहीं किया, और साथ ही साथ इसमें ना जाने कितने विधायक मंत्री आते जाते रहते हैं। यहाँ हमारे पलामू के उपायुक्त महोदय भी आए हैं और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए हुए हैं, सभी बड़े बड़े पदाधिकारी नेता लोग आते रहते हैं, लेकिन इस पर नज़र किसी का नहीं जाता है, बस आते हैं, फीता काटते हैं, चले जाते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि यहाँ पे जब से बना है तब से इस स्टेडियम का विकास ही नहीं हुआ? ऐसा क्यों लगता है आपको कि इस स्टेडियम पे लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे विकास तो तब होगा ना सर,
जब इस पर किसी का नजर होगा, नजर तो सिर्फ पैसवा पर न है। तो बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, नेता हो गए, विधायक हो गए और नगर पंचायत के बहुत बड़े, यहाँ पे स्टेडियम में बहुत बड़ा बड़ा मैच होता है, यहाँ पे तो आते हैं, देखते हैं, लेकिन इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा हमको कि सिस्टम पे? मैं विधायक और मंत्री और नेता को बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी और इस पर अगर किसी पर अगर कमी बेसी का जो ऑब्जेक्शन जाता है वो नगर पंचायत को जाता है। इस पे नगर पंचायत का ध्यान होना चाहिए और नगर पंचायत को देखरेख करना चाहिए। अगर नहीं देखरेख होती है तो किसी को जिम्मा दे दो, किसी को टेंडर में डाल दो, किसी को ठेकेदारी में डाल दो, कम से कम वो रहेगा तो इसका जीवन आधार करता रहेगा। अगर आप सरकारी जीवन आधार नहीं करा सकते तो आप किसी को अंडर में तो दे दीजिए, और नहीं दे सकते किसी के अंडर में तो खुद से करवाइए इसको। ये नगर पंचायत की कमी है और कहीं ना कहीं यहाँ के MLA का भी कमी है, यहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन का कमी है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़, देखिए मैं ऑब्जेक्शन ज़्यादा नहीं लगाना चाहूँगा, ऐसे पूरे हुसैनाबाद ऑब्जेक्शन के ही शहर हैं, हर जगह पे ऑब्जेक्शन है हुसैनाबाद शहर में, ठीक है ना? पूरा हुसैनाबाद शहर जाइए ना तो सब्जी मंडी, ना मीट मंडी, ना टेम्पू स्टैंड, ना बस स्टैंड, ना बताइए कुछ भी नहीं है। इस स्टेडियम का जो मुख्य जो दरवाजा है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अगला दरवाजा देखिए किस कंडीशन में है, बाउंड्री का किस कंडीशन में है, ना यहाँ पे शौचालय है, ना पीने का पानी का व्यवस्था है, ना घास कैसे हरा रहेगा, कहीं कहीं बोरिंग हो जाता है, बड़ा बड़ा मोटर लगा जाता है जिस वजह से ग्राउंड में पानी पड़ता तो घास भी हरा हरा रहता। जो सुबह सुबह नगर पंचायत के लोग हैं वो यहाँ पे घूमने आते तो उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता कि चलो यहाँ पे हरा हरा है, अच्छा लग रहा है, तो इस तरह का क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? माइंड का फ्रेश होगा, पूरा जपले इतना गंदगी से भरल है तो जपला पूरा शहर घूमने से माइंड नहीं फ्रेश होगा, तो यहाँ स्टेडियम का माइंड फ्रेश कराएगा लोग, करेला दम रहेगा तब ना हुआ, तो लोग पैसवा के चक्कर में पड़ल रहता है, बस बने और कमाए और घर, और 5 साल के बाद तो पूरा बीवी बच्चा फैमिली परिवार ही जन तो ऐसा करेगा ना, भाड़ में जाए हुसैनाबाद के जनता, लोगों को क्या पढ़ा उससे, यहाँ के लोग खेलेंगे नहीं। ये लोगों को पता है खेल संगीत पढ़ाई ये सब हमारे युवा बच्चा साथी बहन माताएं जो होती हैं ये अगर हमारे शहर में होते रहता है तो उससे एक जागरूकता बढ़ती है, लोगों में उत्साह बढ़ता है, लोग अब बच्चे शहर के आगे निकलते हैं, तो यहाँ ना किसी बच्चा का फिक्र है, न किसी बेटी बहन का फिक्र है, लोग अपना सब कुछ कर रहे हैं ना, बस यही यहाँ है। सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ मांग करना चाहता हूँ इस स्टेडियम के लिए मांग मैं यही करना चाहता हूँ, यहाँ के चाहे वर्तमान विधायक हो या फिर चेयरमैन हो या फिर यहाँ के सांसद महोदय हो, मैं सभी आदरणीय से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि श्रीमान हाथ जोड़ के विनती है, मैं हीरो बनने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने के लिए इस चैनल के माध्यम से आया हूँ कि इस स्टेडियम का एक खूबसूरत सा जीर्णोद्धार करवा दीजिए आप सब मिल करके, जो हमारे जैसे भी नागालैंड बंगाल कहाँ कहाँ से अभी ये हम लोग मैच हो रहा था इस स्टेडियम में, जो HPL T20 मैच चल रहा था, जो इसमें बहुत दूर दूर से खिलाड़ी आए थे, उन्होंने देखा तो देखिए क्या देखा, देखिए वहाँ गोबर ठोका हुआ था दीवार पर, ये देख के वो बड़ा मज़ा ले रहे थे, उन लोग क्रिकेट का कम और इसका मज़ा ज़्यादा ले रहे थे और यहाँ का कल्चर का मज़ा ले रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको इतना खूबसूरत बनाया जाए कि अभी तक पूरे विधानसभा में एक ही स्टेडियम है जिसका नाम है गुलबाग, हैदराबाद में, पूरा हुसैनाबाद नगर पंचायत में, नगर पंचायत में, हमको लगता है हरिहरगंज में भी स्टेडियम नहीं है शायद, सीता हाई स्कूल में है स्टेडियम, नहीं पूरे हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा में इस तरह का स्टेडियम नहीं है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उनको जिनका इतना बड़ा सोच था कि कम से कम स्टेडियम उन्होंने बनाया और स्टेडियम का नाम दिया उन्होंने, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। बट मैं उनको जो है कोसना चाहता हूँ कि इस स्टेडियम को बनाने के बाद किसी ने इसको देख रेख करने तक नहीं आया, इसका जीवन उद्धार बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए आप जो प्लेयर आते हैं उसमें क्या बोलते है, ड्रेसिंग रूम है तैयार होने का है, ऊपर देखना उसका स्थिति इतना जर्जर है, सीढ़ी सब गिर गया, इधर बाउंड्री फूट गया है, उधर बाउंड्री फूट गया है, सारा फूटा हुआ है। यहाँ आप प्रतिदिन शाम को आइए, कम से कम 100-200 बच्चे हमेशा इसमें खेलते नजर आएंगे। तो आप बताइए इस गुलबाग स्टेडियम हुसैनाबाद नगर पंचायत का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम में आने के लिए कोई भी आपको मुख्य सड़क नहीं मिलेगा, कहीं भी आप आइए तो इसको मुख्य सड़क नहीं मिलेगा, आप आइएगा तो वहाँ पे कब्रिस्तान है, वहाँ से आइएगा तो एक नीचे पुल है, वो पुल में पूरा गाड़ी पूरा पानी में घुस जाएगा। तो बताइए इतने बड़े स्टेडियम होने के बाद भी इसका मुख्य सड़क भी नहीं आने के लिए? देखिए मैं आपसे एक चीज़ बहुत बड़ी आपने मुझे याद भी दिला दिया कि जितनी खूबसूरत स्टेडियम होनी चाहिए है नहीं, और एक इतना बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे प्रथम अगर कोई तकलीफ है इस स्टेडियम को लेकर के वो है रास्ता।
इस स्टेडियम में आने के लिए रास्ता कहीं से अच्छा नहीं है जो दर्शक पहुंच सके आराम से। नेता, पॉलिटिक्स, अफसर, जितने भी लोग, उनका गाड़ी आराम से यहां तक पहुंच सके। मैं मांग करता हूं दो चीज़ों का, स्टेडियम का जीवन उद्धार चाहिए और नगर पंचायत एवं विधायक एवं प्रखंड अंचल जितने भी जो अफसर पदाधिकारी, मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि सर आप लोग सारे लोग मिलजुल करके इस स्टेडियम के लिए कहीं से ना कहीं से एक अच्छा सा सुचारू रूप का रास्ता देने का आप लोग प्रयास करें ताकि लोगों का गाड़ी यहां तक पहुंच सके, लोग यहां तक आ सके। यहां रास्ता नहीं है गुलबाग के लिए। मैं चाहता हूं कि महोदय आप लोग रास्ता दिलवाइए गुलबाग के लिए। और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो साहब लोग चाहें, यहाँ के एमपी साहब हैं वो चाहे, एमएलए साहब हैं वो चाहे, चेयरमैन चाहे, इन लोग चाहे तो रास्ता निकल सकता है। मैं इसके लिए गारंटी देता हूँ कि रास्ता निकल सकता है, क्योंकि आदमी से बला कोई चीज़ नहीं होता है। आप करने का इच्छा रखते हैं और करने का अगर आप जज्बा रखते हैं तो हर कुछ पॉसिबल है। तब बताइए, हुसैनाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष शशि कुमार जी और विधायक कमलेश कुमार सिंह जी, पलामू के सांसद बी डी राम जी और पलामू के उपायुक्त, क्या आपके पास इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए कोई प्लान नहीं है? क्या आप इसका जीर्णोद्धार नहीं करा सकते हैं? तो बताइए, पलामू के उपायुक्त से मेरा मांग है, बीसा न्यूज चैनल की तरफ से मांग है कि कम से कम हुसैनाबाद नगर पंचायत का गुलबाग स्टेडियम का एक अच्छे से जीर्णोद्धार हो, मुख्य सड़क आने के लिए यहाँ पे स्टेडियम में पीने का पानी का व्यवस्था हो, शौचालय का व्यवस्था हो और बैठने का एक उचित व्यवस्था हो। अब हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि हमारे वीडियो चलने के बाद भी कि आप पलामू के उपायुक्त और नगर पंचायत के अध्यक्ष, विधायक और यहाँ के सांसद क्या करा पाते हैं गुलबाग स्टेडियम का जीर्णोद्धार या नहीं करा पाते हैं। अब हुसैनाबाद क्रिकेट एकेडमी के प्लेयर हमारे साथ हैं, चलिए उनसे जाते हैं कि जब वो गुलबाग स्टेडियम में खेलने आते हैं। सर पंसारी, आप यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं हुसैनाबाद क्रिकेट एकेडमी का जो गुलबाग स्टेडियम में जो प्रैक्टिस होता है, तो यहाँ क्या क्या आपको समस्याएँ होती है? यहाँ पर बहुत चीज़ का समस्या है, कुछ यहाँ पर है नहीं, ना नेट है ना यहाँ खेलने के लिए। अदर ग्राउंड में जाते हैं तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ मिलती है, यहाँ पर कुछ नहीं, कंक्रीट टूटा हुआ है। और यहाँ पे आपको पानी का व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए शौचालय का व्यवस्था, या चाहिए मान लीजिए यहाँ पे घास उस जैसे उस तरह, क्या बड़े बड़े स्टेडियम में आप जाइएगा तो वहाँ पे सभी तरह का फैसिलिटी मिलता है, क्या उस तरह का आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है? यहाँ पर कुछ है, शौचालय है भी तो यहाँ नल गायब हो जा रहा, ताला टूट जाता है, रात में सामान हम लोग का वहीं रहता है शौचालय में, तो सामान वामान गायब हो जाता है। गेट उट नहीं है ग्राउंड में, ना ग्रास व्रास है, पानी का समस्या है यहाँ पर। आपको जब पानी प्यास लगता है तो कहाँ जाते होंगे? नल पर जाते हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है। दूर है, अगर आपको शौचालय लगे तो? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं, हाँ। क्या नाम है आपका? अहमद अली। क्या समस्या है आप लोग का? हम लोग को देखिए, यहाँ पे हम लोग बहुत 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होता है प्रैक्टिस करने में, यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे कुछ भी नेट वगैरह नहीं है यहाँ पर। पानी प्यास लगता है तो आप कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, बहुत दूर है, नल पे जाते हैं। शौचालय? शौचालय पीछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हुसैनाबाद क्रिकेट एकेडमी के प्लेयर लोग थे, जब स्टेडियम में आते हैं, जब अपना प्रैक्टिस मैच खेलने आते हैं तो किन किन मुसीबतों से गुजरते हैं ये तो आप वाकिफ हो गए होंगे। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या इन खिलाड़ियों का दर्द कौन समझेगा? क्या यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष को नहीं दिखता है? क्या है विधायक को नहीं दिखता है? क्या पलामू के सांसद को नहीं दिखता है? अब हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि हमारी वीडियो चलाने के बाद भी क्या गुलबाग स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा या नहीं होगा।